Good morning, children. Today we will start chapter 15 The Village School of English Grammar. लेटस रीड रीता एंड मधु लिव इन ए विज द विेज स्कूल डज नॉट हैव बसेज़ रीता एंड मधु वॉक टू स्कूल रीता और मधु यहाँ पर टू गर्ल्स हैं वो विलेज में रहती हैं विलेज के स्कूल्स में बसेज नहीं होती हैं और वो लोग स्कूल कैसे जाती थी बाय वॉकिंग दे कम आउट ऑफ देयर हाउस एंड क्रॉस द ब्रिज द क्लाइंब ओवर द फेंस एंड गो अप दिल वो अपने घर से बाहर आती थी और ब्रिज के ऊपर से क्रॉस करती हुई जाती थी दे क्लाइम ओवर द फेंस एंड गो अप दिल फेंस के ऊपर से और हिल पर जाती थी वो दैन दे रन डाउन द हिल टू रीच द स्कूल ऑन टाइम फिर वो जल्दी जल्दी हिल के नीचे से जाती थीं और स्कूल पहुँचती थी ऑन टाइम रामलाल रिंग्स द स्कूल बैल डिंग डॉन्ग रामलाल भैया क्या करते थे उनकी स्कूल बैल बजाते जाती डिंग डोंग डिंग डॉन्ग द चिल्ड्रन गो टू देअर क्लासेस फिर चिल्ड्रन जो थे वो अपने अपने क्लासेस में चले जाते थे इन द फर्स्ट पीरियड सम चिल्ड्रन प्रैक्टिस पेंटिंग फर्स्ट पीरियड में कुछ चिल्ड्रेन पेंटिंग करते थे अदर्स प्ले फ़ुटबॉल इन द प्ले ग्राउंड कुछ प्ले ग्राउंड में फ़ुटबॉल खेलते थे द स्टूडेंट्स इन द हायर क्लासेज स्टे इन दियर क्लासेज एंड स्टडी और जो बड़े क्लास बड़े बच्चे होते थे वो अपने क्लासेज में रह स्टडी करते रहे नाउ लेट अस डू द एक्सरसाइज राइट डाइज रिद स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स ट्रू और फॉल्स इसमें बताना है आपको रीधा एंड मधु लिव इन अ विलेज क्या रीधा और मधु विलेज में रहती थी सो वी विल राइट ट्रू द विलेज स्कूल हैज़ बसेज विलेज स्कूल में बसेज होती हैं नो सो इट इज फॉल्स टर्न द पेज दे वॉक टू स्कूल वॉकिंग से जाती थी स्कूल सो वी विल राइट ट्रू दे गेट लेट फॉर स्कूल लेट हो जाती थी वो नो सो वी विइट फॉल्स सम चिल्ड्रन प्ले फ़ुटबॉल कुछ प्ले कुछ चिल्ड्रेन फुटबॉल प्ले करते थे येस सो वी विल राइट ट्रू सम्रन प्ले फ़ुटबॉल कुछ चिल्ड्रन फुटबॉल प्ले करते थे यस सो वील रू द टीचर रिंग्स द बेल टीचर बजाती थी बेल नो सो इट इज़ फॉल्स द चिल्ड्रन हैव फन एट स्कूल चिल्ड्रन को मजा आता था स्कूल में इट इज़ ट्रू नेक्स्ट एक्सरसाइज चूज द करेक्ट आंसर इन द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस ब्रैकेट में से वर्ड चूज करके आपको लिखना है इसमें रीता एंड मधु कम डैश ऑफ देयर हाउस क्या कर दिन कम आउट ओ यू टी आउट दे क्लाइम डैश द फेंस ऑन या ओवर दे क्लाइम ओवर द फेंस दे गो डैश द हिल दे गो अप हिल दे रन डैश द हिल दे रन डाउन द हिल दे रीच द स्कूल On time. So, this chapter is to be done in book only.